नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल ए टू जेड रिपेयरिंग में। दोस्तों ये मॉस्किटो किलर बैट है, ये वर्क नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्विच को देने के बाद में ये लाइट जल रहा है और ये स्विच देते हैं तो ये एलईडी हल्का सा जो ग्लो होता है और बंद हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विच को दबा करके यहाँ पर शॉर्ट कराने से कोई भी स्पार्किंग यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मच्छर इसमें जो है सटेगा तो मच्छर मरेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे करंट जो होता है एसी करंट वो नहीं आउट हो रहा है। तो आज के वीडियो में जानेंगे इसे कैसे ठीक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका स्क्रू मैं खोल चुका हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, तो चलिए इसका ढक्कन को भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका बैटरी को चेक करना है कि इसका बैटरी जो हमारा ठीक है कि नहीं, तो चलिए इसका बैटरी को चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 4 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि बैटरी ठीक है। और ये स्क्रू को खोल लेना है किट को चेक करने के लिए। तो दोस्तों अब क्या करना है कि बारी बारी से आपको ये स्विच और ये ट्रांजिस्टर और ये ट्रांसफार्मर तीनों चेक करना है। इसमें अधिकांश जो है यहीं से प्रॉब्लम होता है। और ये फिल्टर कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर बहुत ही कम खराब होता है। और इससे पहले क्या करना है कि इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेना है इसको खोल करके, तो ये शॉर्ट होगा तो भी जो है मच्छर नहीं मरेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जाली जो है ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ये स्विच को एक बार डायरेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये स्विच अगर ख़राब हो जाएगा तो भी हमारा ये जो बैट है ये वर्क नहीं करेगा। तो चलिए ये स्विच को जो है एक बार शॉर्ट कर देते हैं। ये स्विच को शॉर्ट करने के बाद में देख सकते हैं अभी भी जो है यहाँ पे स्पार्किंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये स्विच को शॉर्ट करने से हमें ये पता चल गया कि ये स्विच का हमारा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और से है। तो अगला स्टेप में आपको ये ट्रांजिस्टर को चेक करना है, तो ये ट्रांजिस्टर को जो है शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। तो मीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखना है और ये ट्रांजिस्टर जो है शॉर्टिंग के लिए चेक करना है। और ये शॉर्टिंग को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको बैटरी का जो है एक वायर को जो है ओपन कर देना है, ताकि ट्रांजिस्टर पर कोई सप्लाई जो है नहीं आए। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो हमारा शॉर्ट है, तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को खोल के चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने के बाद में देखते हैं आगे कि आगे और कोई दिक्कत है या ये ट्रांजिस्टर को बदलने के बाद में हमारा जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। ट्रांजिस्टर खोलते समय ध्यान रखना है इसे उल्टा नहीं लगाना है। और ट्रांजिस्टर को खोलने के बाद भी एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, तो अब मैं इसमें न्यू ट्रांजिस्टर लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास न्यू ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर 882 है और इसमें भी 882 लगता है। तो मैं इसका कंटिन्यूटी चेक करके एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसका कंटिन्यूटी इस तरह जो होता है। और ये पुराना वाला जो ट्रांजिस्टर था वो बिल्कुल शॉर्ट बता रहा था। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को मैं लगा लेता हूँ।
तो चलिए ये ट्रांजिस्टर को मैं लगा लिया हूँ और ये बैटरी का प्लस सप्लाई है ये भी लगा लेता हूँ क्योंकि इसका कनेक्शन मैं जो है हटा दिया था। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे चिमटा से जब मैं शॉर्ट करवाता हूँ तो यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा ठीक हो गया। और अब जो है इसका जो स्विच पर जो शॉर्ट कराए थे वो हटा देना है, और अब जो है इसका स्विच को एक बार दबा करके मैं चेक करता हूँ कि ये स्विच जो है हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए स्विच को दबाने के बाद में इसको हम शॉर्ट कराते हैं, तो देख सकते हैं कि शॉर्ट हो रहा है। और स्विच को छोड़ देने से शॉर्ट कराते हैं तो स्पार्क नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्विच भी हमारा ठीक है। अभी मैं स्विच को प्रेस किया हूँ और देख सकते हैं कि ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।